नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है आपका मारवाड़ी कॉलेज रांची में एडमिशन से रिलेटेड। तो बहुत लोगों को डाउट है कि आपका जो एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में हो चुका है, लेकिन इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं ताकि एक भी नोटिस आपसे छूट ना जाए। सारा नोटिस उस पर आ जाता है, प्लेसमेंट से बात करें या फिर एडमिशन से बात करें या फिर इससे अलावा जो भी नोटिस निकलता है सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूं कि आपका जो है आपका एडमिशन हो चुका है, इसके आगे का प्रक्रिया क्या होता है। तो बात करें वोकेशनल कोर्सेज की, जो दो वोकेशनल कोर्सेज में क्या क्या आता है, तो BCA हो गया, BBA हो गया, BSc बायोटेक्नोलॉजी हो गया, BA FD हो गया, अमानत हो गया या फिर फिल्म मेकिंग हो गया। तो ये जितने भी कोर्सेस है, BCA है, BSc हो गया मतलब कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, या IT की बात कर लें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सबका जो है एडमिशन हो चुका है। अभी एडमिशन जारी भी है, एडमिशन चल भी रहा है, तो आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होने की चांसेस है उसके लिए नोटिस निकलेगा। तो नोटिस कब निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत जल्द निकलने की चांसेस है। आप एडमिशन ले चुके हैं लेकिन आप रेगुलर टच में रहें, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा और उसके साथ साथ में जो भी NKP प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं उनको तो ऑफिशियली डायरेक्टली ग्रुप में भेज दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये रहा बात आपका वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो बहुत ही जल्द उनका क्लासेस स्टार्ट होने की चांसेस है, मतलब कि ये अगस्त लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में या जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका इंट्रोडक्शन के साथ में सेशन स्टार्ट होगा। आपका इंट्रो मतलब कि फ्रेशर्स के लिए जो है पहले तो इंट्रोडक्शन सेशन होता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में सेशन में जाइएगा, उस दिन से आपका क्लियरिटी मिल पाएगा उसमें और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उसके बाद में आपका क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, वोकेशनल का पहले से चलना स्टार्ट हो जाएगा, पहले से ही चलेगा। अब बात करें नॉन वोकेशनल को क्या करना है, सेकेंड लिस्ट अभी आ जाएगा, सेकेंड लिस्ट फिर से आएगा और कुछ हद तक ये भी देखा जाता है कि दो से मतलब रेगुलर देखा गया है कि थर्ड लिस्ट भी आता है, तो वो फिक्स नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा लेकिन थर्ड लिस्ट आने की चांसेस होती है। तो मैं बात करूं कि अभी आपका कि उसके बाद में क्या करना है, जैसे फर्स्ट लिस्ट वाले एडमिशन ले चुके हैं, सेकेंड लिस्ट वाले एडमिशन लेंगे, उसके बाद में क्या करना है, तो फर्स्ट लिस्ट वाले थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार बहुत ही लंबा करना पड़ेगा। क्यों लंबा करना पड़ेगा इसके पीछे भी कारण आप समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी जो सेकेंड लिस्ट निकलेगा वो जब निकलता है सेकेंड लिस्ट उसके लिए कम से कम 10 दिनों का टाइम तो जरूर दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, और जो जो 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा उस समय तक आपका फर्स्ट लिस्ट में जो एडमिशन हुआ होगा उनके लिए कुछ नहीं होने वाला उस समय। लेकिन आपको जो है जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका जेरोक्स वगैरह सब तैयार रखिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार फिर आगे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, आपने प्रोविजनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, चांसलर पोर्टल से आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन अब आगे का प्रोसीड्योर क्या है, तो आगे का प्रोसीड्योर क्या होता है उसमें प्रोसीड्योर होता है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कहां पे होगा और कैसे होगा। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में फाइनली जब एडमिशन क्लोज की सेशन आएगी, मतलब कि एडमिशन फुल्ली पैक्ड हो जाएगा कि हाँ एडमिशन कंप्लीट हो गया है, तब जा करके आपका सीरियल नंबर या फिर उसमें जो भी डिटेल है वो डिटेल के साथ में आपका लिस्ट निकलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकलेगा। BSc, BA या BCom की बात करें सबके लिए वो डेट अलॉट होगा, रोल नंबर अलॉट होगा या सीरियल नंबर अलॉट होगा, उसके अनुसार आपको जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप नहीं आते हैं या मिस कर जाते हैं तो आपका एडमिशन वहीं पे क्लोज कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए रेगुलर आप अपडेट से बने रहेंगे ताकि आपको इससे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और एडमिशन में आप पछताए नहीं कि मैं बाहर गया था, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा आपका। इसलिए पहले से बता रहा हूँ जिनका एडमिशन हो चुका है डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार रखिएगा, तो उसमें जो है आपने अंडरटेकिंग फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन, अंडरटेकिंग फॉर्म को रखना है, वो अंडरटेकिंग फॉर्म को ये नहीं कि फेंक देना है, उसको रखना है, वो जरूरत पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस समय आएगा, जब आएगा मैं दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, वहां से डाउनलोड करके आप भरिएगा, अभी नहीं आपको करना है क्योंकि अभी वोकेशनल का वहां पे अपडेटेड है। उसके साथ साथ में क्या करना है आपको कि उसके साथ साथ में 10-12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड,
ओरिजिनल लेकर के आना है, उसके साथ साथ में जेरोक्स तैयार रखना है, दो दो सेट कम से कम तैयार रखना है। माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल ने नहीं दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो आप बना करके रखिएगा, अभी टाइम है आपके पास। अगर STSC OBC से एडमिशन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, उसके साथ साथ में जेरोक्स चाहिए। उसी के साथ बात करें CLC और TC आपका, उसका जो है ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल के बेसिस पे ही एडमिशन हो पाएगा। अब ये जो है आप जो फी रिसिप्ट आपने दिया है, मतलब फी पेमेंट किया है, उसका रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। उस रिसिप्ट को भी आपको वहां पे देना पड़ेगा, दो से तीन रिसिप्ट आपको रखना पड़ेगा। वहीं पर आपका जैसे ही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका क्या होता है कि आईडी कार्ड आपका इशू हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये ऑफलाइन बेसिस पे होगा। ऑफलाइन बेसिस पे कहाँ होगा? कॉलेज में होगा। गर्ल सेक्शन बॉयज सेक्शन अलग अलग है, उस तरह से आपका जहां पर भी होगा उसके लिए मेंशन होगा जब नोटिस निकल के आएगा। कम से कम अभी आपको डिले है, आपका जुलाई में तो नहीं ही होने वाला है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। जुलाई में नहीं, अगस्त फर्स्ट वीक में चांसेस है कि आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की चांसेस है। तो इसके अनुसार आप अपना तैयारी कर लीजिए, अपने अनुसार उसके अनुसार अपना अगर एडमिशन ले लिए हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है उससे, तो आप क्या कीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना रूम ढूंढना तैयार कर दीजिए, अपना हॉस्टल ढूंढना तैयार कर लीजिए, आप जहां रहना चाहते हैं वहां रहने के लिए आप व्यवस्था अपना कर लीजिए उसके अनुसार, क्योंकि आपका कुछ दिनों के बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, और उसमें किसी तरह का त्रुटि मिलता है तो फिर आपका उसमें एडमिशन कैंसिल होने की चांसेस होती है। इसलिए किसी भी तरह का त्रुटि नहीं रखेंगे, इस खास बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये मोड आपका कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, कॉलेज में होगा, और कब होगा तो अभी नोटिस निकल करके आएगा, वेट कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, तो परेशान नहीं होइएगा। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।